खबर आ रही है पीलीभीत से, जहां पीलीभीत में अमरिया थाना क्षेत्र में गांव के 3 बच्चों की ईंट के भट्टे में भरे पानी के डूबने के मौत होने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अवैध खनन व लगातार हो रही घटनाओं के कारण भट्टा सीज करने की मांग की। जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। गाँव से असलम, क्या शिकायत करने आए हैं साहब? एडीएम के साहब, जो शिकायत करने आए हैं हम, गांव के करीब भट्टा है, उसमें गहरे गहरे गड्ढे हैं। 3 बच्चे खेलने गए, उनकी मौत हो गई, वहीं डूब गए उसमें वो। अब हम जो चाहते हैं ये भट्टा सीज करा जाए और बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने शिकायत भी करी जाए, करीब भी ये लोग नहीं माने, इन्होंने गंदी गंदी गाली देकर भगा दिया। धमकी दिन पर रिवाल्वर है और हसी प्रधान, उनके बाप मुन्ने हाजी जी नसीम, और जब जो वहाँ मोहल्ले के लोग गए उनकी आंखों में धुआं लगता है और जब भट्टा चलता है तो सबको परेशानी होती है। सब लोग ये चाहते हैं ये भट्टा सीज होना चाहिए। हिना भट्टा गांव से 50 मीटर दूरी से है। तो भट्टे पर कार्रवाई हुई है क्या? आप लोग से सुनवाई कर लिया? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है हुआ। चाचा क्या नाम है आपका? कमाल शाह। डीएम साहब से काहे की शिकायत करने आए हैं? बच्चों की अपने, बच्चे मेरे तीनों भट्टे में डूबे, गड्ढे में 14 फीट गड्ढा है। उनसे कहा तो उन्होंने धमकाया कि तुमसे जो चाहो कर लो, कुछ नहीं है, हमारी जायदाद है, हम जो भी करें। किसका भट्टा है? मलिक का नाम है। हसीब, अनीस अहमद, नसीब अहमद, अमीर अहमद उर्फ क्या कहें मुन्ने। भट्टे वालों पर कार्रवाई की गई है? हाँ, संतोष नहीं है भट्टे सीज करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाजिम सर। डीएम साहब से शिकायत करने आए? क्या बस ये शिकायत करने आए कि सर हमारे 3 बच्चे थे उधर घूमने के लिए गए, वो अक्सर गड्ढे थे, ठीक है, वो एक न एक घटनाएं होती रहती है, एक न एक जानवर की, ठीक है सर। हमने इनसे आगे भी नहीं पीछे भी और भी बोला था, गांव के और भी जितने थे 2-4-6 लोग 10 लोग जो भी थे, इनसे हमने हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों ने ही बोला था कि सर इन पर गड्ढे पटवा दीजिए, आपका जो काम खत्म हो गया है इसको पटवा दीजिए। गड्ढे कहाँ थे जी? गड्ढे गांव के, हमारे घर के पास में ही है।